हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान रुचि में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज देखिए हमारे यहाँ ढेर सारी सब्जी आ गई है। तो टमाटर ख़त्म हो गए थे, धनिया भी ख़त्म थी, कोई भी सब्जी नहीं थी, तो आज हमने मंडी से सब्जी मंगाई है। तो देखिए बोरी में सब्जी आई है, तो हम इस सब्जी को एक एक करके निकालेंगे और धुलेंगे और उसके बाद हम इसको फ्रिज में लगाएंगे। तो देखिए करेला नहीं थे तो करेला भी आ चुके हैं, और ये तरोई है, टमाटर है, भिंडी है, हरा धनिया है, अदरक है, प्याज है, लहसुन है, तो ये सारी सब्जियां ख़त्म थी तो आज हमने सब मंगा लिया है इकट्ठे। तो इकट्ठे आ गई है सब्जी, तो ये चलेगी एक हफ्ते, तो चलेगी एक हफ्ते तक। अब हमें सब्जी नहीं लानी है, और हरी सब्जियां जो हमारी रहती हैं दूसरे तीसरे दिन जो हमें लेनी पड़ती हैं तो वो हम बाहर ही ले लेते हैं। हमारे यहाँ सब्जी वाले आते रहते हैं ठेले पर, तो वहीं से हम लेते हैं। लेकिन हमें लहसुन प्याज टमाटर जैसे ज़्यादा लेना होता है तभी हम मंडी से मंगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं दही बड़े, जो कि मैंने आज बनाए हैं। तो मेरी ननद के घर से आया था दही, हस्बैंड मेरे गए थे तो उन्होंने दही दिया था, तो दही हमने रखा हुआ है, आज हम उससे दही बड़े बनाएंगे। तो हम रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हमारी नंद के यहाँ गाय पली है तो घर का दही है, तो मैंने सोचा घर का दही मिल नहीं पाता है तो आज हम घर के दही से दही बड़े बना रहे हैं। हमने ले ली है उड़द की दाल, हमने रात में भिगो दी थी, सुबह हमने उसको मिक्सी में अच्छे से पीस लिया है धुल उल के। तो अब हम ये देखिए हमारी दाल अच्छे से पीस गई है। ये हमको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है और बहुत ज़्यादा हम इसको मोटा भी नहीं करेंगे। और ये हमने देखिए धनिया ले ली है, हरी धनिया और हरी मिर्च हमने थोड़ी सी काट ली है, हम इसको इसी में डाल देंगे। और अब हम इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची डालेंगे, तो थोड़ी सी हम लाल मिर्ची भी इसमें डाल लेंगे, बहुत ज़्यादा हमें तीखा नहीं बनाना है तो हम इसको बहुत ज़्यादा तीखा नहीं करेंगे। और थोड़ा सा हम ये धनिया जीरा वाला पाउडर अपना मसाला डालेंगे, धनिया जीरा और लाल मिर्च जो हमने भून के रखा है पहले से, तो ये मसाला भी हम इसमें डाल देंगे। तो ये हमने मसाला भी डाल दिया है, और अब हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी हींग, तो हींग भी हम ले रहे हैं। तो हींग भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, थोड़ी ही हींग लेनी है, तो ये हमने थोड़ी सी हींग ले ली है, हींग भी डाल दी है। और अब हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा नमक, तो ये हम थोड़ा सा नमक भी इसमें ले रहे हैं, स्वादानुसार नमक लेना है, तो हम स्वादानुसार नमक इसमें डाल देंगे। और नमक डाल के हम इसको अच्छे से फिर से हाथ से फेंट देंगे। आप इसको हाथ से फेंटेंगी तभी बढ़िया बनेगी, ये मैसर वैसर से नहीं अब मिक्स होगा अच्छे से, तो हाथ से जब हम मिक्स करेंगे तो बहुत अच्छा मिक्स होगा। फ्रेंड्स, आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा होगा क्योंकि बाहर हमारे यहाँ थोड़ा काम चल रहा है, तो उस वजह से आवाज़ें थोड़ा खटपट की आ रही हैं। मकान में रिपेयरिंग हो रही है उनके, तो चाचा हैं हमारे, उन्हीं के मकान में रिपेयरिंग का काम चल रहा है तो आवाज़ें थोड़ा ज़्यादा आ रही हैं, तो आप लोग आवाज़ पर थोड़ा ध्यान मत दीजिए। जो हम आपको बता रहे हैं आप सिर्फ इस पे ध्यान दीजिए कि हम आपको क्या करना बता रहे हैं। तो ये देखिए हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और मिक्स करके अच्छे से हम रख देंगे। और अभी हम बनाएंगे थोड़ी सी बेसन की फुलौरी भी बनाएंगे, तो अभी हम इसको पहले दाल को अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रखेंगे, उसके बाद हम अभी अपना बेसन भी तैयार करेंगे। तो बेसन को हम कैसे तैयार करेंगे हम वो भी आपको दिखाएंगे, बस आप लोग हमारे साथ यूँ ही बने रहिए, हम आपको पूरा दिखाएंगे। तो ये देखिए हमारी दाल अच्छे से फेंट चुकी है, तैयार है, अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे। अब हम बेसन की तैयारी करते हैं, तो ये हमने एक कटोरी बेसन ले लिया है, और उसमें भी हम ये देखिए हरी धनिया और हरा मिर्च हम इसमें भी डालेंगे, और हम अपना मसाला भी वही डालेंगे, जीरा धनिया और लाल मिर्ची वाला। तो ये हमारा बेसन कम है तो हम इसमें सब कुछ थोड़ा थोड़ा सा ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो इसमें भी हम नमक भी डाल लेंगे, मसाला भी हमने डाल दिया है, और थोड़ी सी इसमें हम हींग हमने
उसमें भी डाला है और हींग इसमें भी डालेंगे। तो ये हमने हींग डाल ली, मिक्स कर लेंगे। इसको भी हम ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, थोड़ा गाढ़ा ही रखना है क्योंकि हम पकौड़ी बनाएंगे, तो बहुत ज़्यादा पतला इसको नहीं करना है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा करना है। ये हमारे जो भैया हैं छोटे आयुष्मान हैं जो हमारे, उनको उड़द दाल की नहीं पसंद आती हैं, बड़े उनको नहीं पसंद आते हैं, तो वो पकौड़ी खाते हैं बेसन की दही में भीगी हुई, तो उनके लिए हम बनाएंगे। तो इसीलिए हमने थोड़ा सा बेसन लिया है, ज़्यादा बेसन हम नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो ये देखिए हमारा अच्छे से इसका बैटर अच्छे से तैयार हो गया है। ये देखिए ऐसे ही हमें रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, तो इससे हमारी पकौड़ियाँ अच्छे से बन जाएंगी। तो हम इसको अभी थोड़ी देर के लिए रखेंगे, 15 मिनट तक हम इन दोनों को रखे रहने देंगे ऐसे ही। 15 मिनट के बाद ही हम इस पकौड़ी बनाएंगे, इसको हम फ्राई करेंगे। तो अभी हम इसको रख दे रहे हैं, तो ये दोनों हम एक साथ रख दे रहे हैं अभी। तो ये देखिए हमारा दही है, इसको हम बड़े बर्तन में पलट लेंगे। हम इसमें कुछ नहीं डालेंगे, हम इसमें नमक भी नहीं डालेंगे, मिर्ची भी नहीं डालेंगे, हम इसमें कुछ नहीं डालेंगे। अगर हम इसमें नमक मिर्ची हम कुछ भी डाल देंगे तो ये हमारा दही बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। अभी यह दही हमारा बिल्कुल भी खट्टा नहीं है, तो हम सब लोग अच्छे से खा लेंगे इसको, लेकिन जब खट्टा हो जाएगा तो हमारे यहाँ इसको कोई नहीं खाएगा, तो इसलिए हम नमक नहीं डालेंगे। आप लोग भी अगर दही बड़े बनाएं तो उसमें नमक न डालें, अगर नमक आप डाल देंगे तो आपका दही दूसरे दिन बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा, और अगर आप नमक नहीं डालेंगे तो आपका दही बिल्कुल वैसे ही रहेगा, खट्टा नहीं होगा। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें। तो अभी हम इसको भी ढक के रख दे रहे हैं, तो अभी हम इसमें दही बड़े डालेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारी लोहे की कढ़ाई है और हल्के पेंदे की कढ़ाई है, तो हम इसी को चढ़ाएंगे और इसी पे हम दही बड़े बनाएंगे और पकौड़ी बनाएंगे इसी में। तो ये देखिए हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, अब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी डाल सकती हैं। तो हम सरसों का तेल यूज़ कर रहे हैं, हम रिफाइंड ऑयल नहीं डाल रहे हैं। तो ये हम सरसों का तेल डाल लेंगे, थोड़ा ज़्यादा हम लेंगे क्योंकि हमें दही बड़े भी बनाने हैं और पकौड़ियाँ भी तलनी हैं, तो इसलिए हम तेल थोड़ा ज़्यादा लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमने कटोरी में पानी ले लिया है, तो हम पानी ऐसे लेंगे और अपनी हथेली में लगाएंगे, ऐसे हम पानी लगा लेंगे। और ये जो हमारा ये जो हमने दाल पीस के रखी थी, हम एक किनारे से थोड़ी सी दाल निकालेंगे और ऐसे हथेली पे रखेंगे। ये हमने पानी लगा लिया है तो इसमें छेद करेंगे, थोड़ा सा हमारी जो दाल है थोड़ा सा गीली हो गई है, बनाने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, तो इसको हम ऐसे डाल देंगे। तो ये हमने डाल दिया है, ऐसे ही हम एक एक करके अपने सारे बड़े छोटे छोटे से बना लेंगे और ऐसे ही बना बना के हम डालते जाएंगे। अगर आप पानी नहीं लगाएंगे हाथ में तो ये बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, इसलिए पानी लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हाथ में बहुत ज़्यादा चिपक रही है। ये हम सब में छेद करेंगे, जितने भी हम बनाएंगे तो इन सब में हम छेद जरूर करेंगे। बहुत तेज आंच पे हमें इसको नहीं पकाना है, अगर आप तेज आंच पे इसको पका देंगी तो ये ऊपर ऊपर से सब जल जाएंगे और नीचे कच्चे रह जाएंगे।
तो इसलिए हमें धीमी आंच पे इसको पकाना है। थोड़ा थोड़ा सा हम इसको हिलाते जाएंगे। कढ़ाई हमारी हिल रही है तो हम इसको जरा अच्छे से कपड़े से पकड़ लेंगे। तो ये देखो हमने इसको चला दिया है और ये धीमी आंच पे हम इसको ऐसे ही पकाएंगे, पकने देंगे। देखिए हमारे बड़े कितने बढ़िया से फूल रहे हैं। आप इसका आकार बड़ा भी कर सकते हैं लेकिन हम इसको छोटा ही आकार दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं बना रहे हैं। छोटा छोटा बनाने से ये फूलते हैं और पक भी जाते हैं अच्छे से। बड़ा बनाएंगे तो फिर ये सही से पक नहीं पाएंगे। तो देखिए हमारे बड़े पलटने वाले हो गए हैं, अब हम इसको पलट देंगे। देखिए हम इसको पलट देंगे। तो जब हमारे ये बड़े गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तभी हम इसको निकालेंगे। तो अभी थोड़ा सा ये पक नहीं पाए हैं सही से, पकने वाले हैं, थोड़ा सा और लाल हो जाए तब हम इनको निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये पक चुके हैं हमारे बड़े, हमारे सारे पक गए हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमने सारे निकाल लिए हैं। अब हम फिर उसी तरह से बनाएंगे, बना बना के फिर कढ़ाई में डालेंगे। अभी हम इसको थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम दही में डालेंगे। डायरेक्ट हम दही में डालेंगे, इसको हम पानी में नहीं डालेंगे। फिर से हम हाथ में पानी लगाएंगे और ये देखिए छोटा सा गोला लेंगे और उसको अपनी हथेली पे रखेंगे और इसको हम गोल करेंगे और बीच में थोड़ा सा छेद कर देंगे। छेद करने के बाद हम इसको तेल में डाल देंगे। तो ये जो बड़े हैं हम इसको दही में डाल देंगे। ऐसे हम डाल देंगे और बंद कर देंगे। इसको भी हम डाल देंगे। तो आप देखिए कि ये कितने बढ़िया सॉफ्ट सॉफ्ट से बने हुए हैं। ये देखिए कितने बढ़िया से फूले हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। ये देखिए कितने अच्छे से दब रहे हैं, हल्का सा दबाव डाल रहे हैं। तो ये देखिए पता चल रहा है कि ये खूब फूले हैं अच्छे से। तो इनको भी हम अभी दही में डाल देंगे। इसको भी डाल दिया है और इसको थोड़ा सा हिला देंगे हम। और जब हम इसको परोसेंगे, किसी के लिए निकालेंगे, देंगे किसी को, तब हम ऊपर से नमक डालेंगे। तो आप चाहें तो काला नमक डाल लीजिए और चाहें तो चाट मसाला भी आप डाल सकते हैं। चाट मसाला डाल के भी खाएंगे तो भी बहुत स्वादिष्ट लगेगा। और काला नमक या तो आप सादा नमक भी डाल सकती हैं, जैसे आपको पसंद हो। तो अब हम बनाएंगे
बेसन की पकौड़ी, तो हम पकौड़ी भी वैसे ही बना लेंगे हाथ से उठा उठा कर, और तेल में डाल के फ्राई कर लेंगे। तो आप सब लोग देखिए कि हमने बड़े और फुलौरी दोनों ही बना लिए हैं। तो अब हम इनको दही में भिगोएंगे। तो ये भी हम दही में डाल देंगे। तो ये हमने सारे बड़े और सारी पकौड़ियाँ हमने डाल दिया है, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो हमने पानी में नहीं डाला है, हमने डायरेक्ट दही में डाला है। अभी ये 1-1.5 घंटे में अच्छे से फूल जाएंगी। तो हम इसको ऐसे ही बंद रखेंगे। ये देखिए हमारे बड़े अच्छे से फूल गए हैं। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। तो ये हमने दही बड़े निकाल लिए हैं, और अब हम इसमें नमक डालेंगे, क्योंकि अभी हमने नमक नहीं डाला है। अब सही है। तो अब हम नमक डालेंगे, स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे। तो पहले हम डालेंगे थोड़ा सा काला नमक, अगर आपके पास चाट मसाला है तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। और ये हम थोड़ा सा भुना हुआ मसाला डाल रहे हैं, जीरा, धनिया। तो हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड।